चलिए सभी को गुड इवनिंग, जोहार, स्वागत है आप सभी का पतंजलि आईएएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग बात करेंगे सर्कुलर मोशन के बारे में। सर्कुलर मोशन, तो देखिए सबसे पहले सर्कुलर मोशन होता क्या है, तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर कुछ एनिमेशन दिखाई दे रहा हो। जैसे हम लोग अक्सर खास करके बचपन में तो ज़्यादा मेले में जाया करते थे, और जब मेले में जाते थे तो हम लोग मौत के कुआं को देखते थे। जब मेला में जाते थे तो क्या देखते थे, मौत के कुआं को देखते थे, और इसके बाद इस जायंट व्हील का भी मजा हम लोग लेते थे। तो यहाँ पर ये जो आप भी मोशन देख रहे हैं, जैसे एक कार जो इस मौत के कुआं में चल रही है, या फिर इस जायंट व्हील पर बैठे हुए जो लोग हैं, ये किस प्रकार के मोशन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो सर्कुलर मोशन। इस प्रकार के मोशन को सर्कुलर मोशन। अब जैसे देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा कि एक कार जो है ये सर्कुलर ट्रैक पर क्या कर रही है, गोल 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 घूम रही है। तो इस प्रकार के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। तो चलिए हम लोग सर्कुलर मोशन तो बचपन से देखते आए हैं, सर्कुलर मोशन बचपन से देखते आए हैं, जैसे झूले का आनंद लिए हैं, मौत का कुआं को देखे हैं, या फिर किसी सर्कुलर ट्रैक पर कोई गाड़ी चल रही हो। लेकिन हम लोग इसके पीछे का फिजिक्स नहीं समझे हैं। तो इसके पीछे का फिजिक्स क्या है, तो देखिए सर्कुलर मोशन का भी दो पार्ट है, एक काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन और दूसरा है डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पर जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हम लोग बात करेंगे काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के बारे में, या आखिर यहाँ पर जो मोशन हो रहा है तो यहाँ पर क्या क्या टर्म्स है, क्या क्या वेरिएबल्स हैं, क्या क्या यहाँ पर इसके पीछे का फिजिक्स है, तो इन सब चीजों का हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए सर्कुलर मोशन का एक ओवरव्यू आप ये समझ सकते हैं कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक पर मूव करती है, जब कोई पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक पर चलती है, तो इस प्रकार के मोशन को क्या कहा जाता है, सर्कुलर मोशन कहा जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। और जैसा कि यहाँ पर भी आप एक एनिमेशन देख रहे होंगे, तो पहले तो हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं सर्कुलर मोशन है क्या। तो देखिए सर्कुलर मोशन इज अ टू डायमेंशनल मोशन और मोशन इन अ प्लेन। सर्कुलर मोशन कैसा मोशन है, तो एक दो डायमेंशन का मोशन है, या फिर आप कह सकते हैं किसी प्लेन का ये मोशन है। इन सर्कुलर मोशन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली कीप्स ऑन चेंजिंग। और जब भी हम बात सर्कुलर मोशन की करते हैं तो यहां पर जो पार्टिकल का वेलोसिटी है वो लगातार बदलते रहता है। सर्कुलर मोशन में पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, लगातार बदलते रहेगा। देयरफोर इवन दाउ स्पीड इज कॉन्स्टेंट एंड वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग। यहां पर स्पीड तो हमारा कॉन्स्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी क्या है, चेंज होते रहेगा। कैसे चेंज होगा, तो देखिए जैसे सपोज कीजिए कि हम एक सर्कुलर ट्रैक को बनाते हैं। चलिए ये रहा हमारा एक सर्कुलर ट्रैक और ये है इस सर्कुलर ट्रैक का सेंटर। अब यहां पर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और ये 5 मीटर पर सेकंड से सर्कुलर ट्रैक पर चल रहा है, 5 मीटर पर सेकंड। तो अलग अलग पोजीशन पर हम इसके वेलोसिटी को जानेंगे कि इसका वेलोसिटी क्या है। तो किसी भी पॉइंट पर जब हम देखते हैं इस पार्टिकल के बारे में, तो इसका स्पीड कितना है, 5 मीटर पर सेकंड। तो जब भी बात सर्कुलर मोशन की जाए, तो यहां पर आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि स्पीड हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट है, यानी कि चाल जो है स्थिर है, चाल नियत है। आप किसी भी पॉइंट पर देखेंगे तो इस पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है, 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर डायरेक्शन की हम बात करें तो देखिए ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्ट। ये डायरेक्शन हो गया। अब जब डायरेक्शन से यहां पर हम लोग देखेंगे तो यहां पर जो पार्टिकल है ये किधर जा रहा है, तो 5 मीटर पर सेकंड से इधर गया, यानी कि किधर गया, नॉर्थ। यहां पर 5 मीटर पर सेकंड से तो चल रहा है, लेकिन किधर गया, तो ये गया वेस्ट। यहां पर भी 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, लेकिन ये किधर जा रहा है, तो ये जा रहा है साउथ में। और 5 मीटर पर सेकंड से यहां पर भी पार्टिकल चल रहा है, लेकिन यह डायरेक्शन किधर है,
मतलब कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, यानी कि सर्कुलर ट्रैक पर मोशन करेगा, तो उसका स्पीड तो कांस्टेंट होगा। अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तब स्पीड कांस्टेंट अगर है, लेकिन फिर भी सर्कुलर मोशन के केस में डायरेक्शन हमेशा बदलते रहेगा। जैसे यहां पर नॉर्थ, ये वेस्ट, ये साउथ, ये ईस्ट। अब जैसे यहां पर देखिएगा तो ये डायरेक्शन रहा, यहां पर देखिएगा तो कुछ इधर डायरेक्शन मिलेगा, यहां पर देखेंगे कुछ डायरेक्शन ये रहेगा, यहां पर देखेंगे डायरेक्शन ये रहेगा। यानी कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन को एग्जीक्यूट करता है, जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक पर चलता है, तो यहां पर इसका डायरेक्शन जो है हमेशा बदलते रहता है। और कोई अगर पूछे कि डायरेक्शन किधर होगा, तो हम बोलेंगे कि इसका डायरेक्शन जो है अलोंग द टेंजेंट होगा, यानी कि स्पर्श रेखा की ओर। तो देखिए यहां स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन क्या कर रहा है, बदल रहा है। स्पीड कांस्टेंट है बट डायरेक्शन चेंजेस। और डायरेक्शन जब बदल रहा है तो यहां पर बताइए डिस्प्लेसमेंट में चेंज आएगी कि नहीं। डिस्प्लेसमेंट भी लगातार क्या होगा, चेंज होगा। क्योंकि देखिए जब बात हम डिस्प्लेसमेंट की करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट भी एक प्रकार का डिस्टेंस है, लेकिन उसमें एक डायरेक्शन फिक्स्ड है। तो डायरेक्शन के बदल जाने से यहां पर बताइए क्या डिस्प्लेसमेंट हमारा लगातार चेंज होगा कि नहीं। डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा कि नहीं। और जब ये डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा तो हम बोलेंगे कि पार्टिकल का जो वेलोसिटी है ये भी क्या होगा, चेंज होगा। डिस्प्लेसमेंट जब चेंज होगा तो पार्टिकल का वेलोसिटी भी क्या होगा, चेंज होगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन पर होगा तो उसका स्पीड कांस्टेंट होने के बाद भी वेलोसिटी क्या होती रहती है, बदलते रहती है। और वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, तो हमेशा अलोंग द टेंजेंट। यानी कि आप यहां पर लिख सकते हैं नोट में, वेलोसिटी इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग द टेंजेंट। यानी कि अगर आप इसको हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं वेग की दिशा, या फिर ऐसे लिखिए वृत्तीय गति में किसी भी कण की वेग की दिशा हमेशा स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। वेग की दिशा हमेशा स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक पर मोशन करेगा तो उसकी वेलोसिटी लगातार बदलते रहेगी। जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक पर मोशन करेगा तो उसकी वेलोसिटी लगातार बदलती रहेगी। कोई कंफ्यूजन? चलिए, तो यहां पर वही बात लिखा हुआ है, देखिए therefore even though speed तो constant है हमारा and velocity keeps on changing, so the body is accelerated। अब यहां पर का कहानी क्या है इसको समझेंगे कि जब velocity चेंज होगा तो बताइए जब भी velocity चेंज करता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, acceleration। तो velocity के चेंज हो जाने के कारण यहां पर क्या आ जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा acceleration। यहां पर क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं त्वरण। यानी कि अगर हमसे कोई पूछे कि सर्कुलर मोशन कैसा है, तो सर्कुलर मोशन एक प्रकार का एक्सेलरेटेड मोशन होता है। सर्कुलर मोशन कैसा होगा, तो याद रखिएगा एक्सेलरेटेड मोशन। एक पॉइंट और लिख देते हैं, सर्कुलर मोशन इज एन एक्सिलरेटेड मोशन। सर्कुलर मोशन इज एन एक्सिलरेटेड मोशन। यानी कि वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है। वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है। चलिए, यहां तक समझ में आया? अगर इसको आप नोट करना चाहते हैं तो इसको नोट कर लीजिए।
लिए। चलिए तो हम लोग क्या क्या बात सीखे एक बार आइए डिस्कस कर लेते हैं और इसको हम लोग चलिए इस एनिमेशन से भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये रहा आपका एनिमेशन। तो अभी तक हम लोग सीखे कि सर्कुलर मोशन ऐसे मोशन को बोलते हैं जब कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर ट्रैक पर चले। जब बात सर्कुलर मोशन की हम करते हैं तो स्पीड तो यहां पर हमारा कॉन्स्टेंट होगा लेकिन डायरेक्शन के बदलने से लगातार यहां पर वेलोसिटी चेंज होती रहेगी और जब भी वेलोसिटी चेंज होगा तो यहां पर एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, यानी कि सर्कुलर मोशन जो है एक प्रकार का एक्सेलरेटेड मोशन भी होता है। और कोई पूछे कि इसका डायरेक्शन किधर है तो देखिए वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा अलोंग द टेंजेंट है। आप देख सकते हैं कि यहां पर वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है हमेशा किधर डायरेक्टेड है, अलोंग द टेंजेंट। डायरेक्शन जो है अलोंग द टेंजेंट तो लिखवाए भी स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखिए अ पार्टिकल इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यहां पर एक टर्म समझना है, सर्कुलर मोशन भी दो प्रकार का हो सकता है, एक यूनिफॉर्म और दूसरा कैसा, नॉन यूनिफॉर्म। तो जनरली हम लोग अभी तक जो पढ़े हैं वो ये पढ़े हैं कि कोई पार्टिकल अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस को अगर ट्रेवल करता हो तो इसके मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। जबकि अगर कोई पार्टिकल्स इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस को कवर करता हो तो मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो देखिए यहां पर वही बात लिखा हुआ है कि एक कण एक समान वृत्तीय गति में होता है यदि यह वृत्त या वृत्ताकार चाप के चारों ओर स्थिर गति से घूमता है। कैसे घूमता है, स्थिर गति से घूमता है, यानी कि देखिए यहां पर जो है ये हम हमेशा हर पॉइंट पर इसका स्पीड कितना लिए हैं, 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये किस टाइप का मोशन हो गया, यूनिफॉर्म मोशन। जबकि अगर यही पार्टिकल्स सर्कुलर ट्रैक पर अलग अलग स्पीड से घूमना शुरू कर दे, अलग अलग स्पीड से घूमना शुरू कर दे तो इस मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो देखिए मोशन ऑफ द टिप ऑफ द सेकेंड हैंड ऑफ अ क्लॉक, जैसे घड़ी में जो सेकेंड हैंड वाली सुई होती है उसका मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म। हमेशा देखिएगा एक सेकेंड में एक एक यूनिट को वो डिस्प्लेस होती है। नेक्स्ट, मोशन ऑफ द पॉइंट ऑन द रिम ऑफ अ व्हील रोटेटिंग यूनिफॉर्मली, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई पहिया है, ठीक है, तो पहिया है तो इस पहिए का एक रिम है और अगर ये पहिया एक कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ चल रही है तो यहां पर रिम पर अगर हम कोई पॉइंट बनाते हैं तो ये तो गोल गोल पॉइंट घूमेगा, इसकी वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, यूनिफॉर्म। नेक्स्ट, अगर एक्सेलरेशन में आ जाएगा तो वेलोसिटी भी इसका बदलना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट, जब कण की गति समय के साथ बदलती रहती है तो हम इसे असमान वृत्तीय गति कहते हैं। लेकिन जब कोई पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक पर तो चल रहा हो लेकिन समय के साथ इसकी वेलोसिटी लगातार क्या कर रही हो, बदल रही हो, यानी कि जब कण की गति समय के साथ बदलती रहती है तो इसे असमान वृत्तीय गति कहते हैं, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाता है। चलिए तो इतना बात समझ में आया, यूनिफॉर्म किसको बोलेंगे और नॉन यूनिफॉर्म किसको बोलेंगे। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि नॉन यूनिफॉर्म का एग्जाम्पल, अब जैसे मान लीजिए कि आप गाड़ी चला रहे हैं, कभी गाड़ी का एक्सेलरेटर को आप बढ़ा रहे हैं कभी गाड़ी को डी एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो जो पहिया रोटेट कर रहा है उसका भी स्पीड कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, इस प्रकार से होगा कि नहीं। तो जब कोई रोटेटिंग व्हील होगी, ठीक है, जो कि अगर बराबर बराबर समय में बराबर बराबर दूरी को तय नहीं कर रही हो या फिर बराबर वेलोसिटी से नहीं चल रही हो तो मोशन को कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म। अब यहाँ पर कुछ टर्म है जो कि सर्कुलर मोशन से हम लोग संबंधित है, इसको हम लोग सीखेंगे, लेकिन इसको सीखने से पहले आइए लीनियर वेलोसिटी की चर्चा करते हैं। इसकी चर्चा लीनियर वेलोसिटी, और लीनियर वेलोसिटी में एक टर्म है हमारे पास, सबसे पहले पोजीशन। अगर किसी बॉडी की पोजीशन को अगर आपको दिखाना हो तो आप इसको कैसे दिखाते थे, एक्स से दिखाते थे पोजीशन को, एक्स से। देखिए ये ऐसे समझते हैं इस बात को, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक एक्स वाई प्लेन है,
ये एक्स एक्सिस रहा, ये वाई एक्सिस रहा, ये रहा ओरिजिन। अब जरा यहां पर अगर कोई पॉइंट है, चलिए इस पॉइंट को बोल देते हैं पी, तो इसके पोजीशन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हम लोग बोले थे कि ओरिजिन से किसी पॉइंट को जो मिलाने वाला लाइन होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। चलिए अब अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो डिस्प्लेसमेंट कैसे बताएंगे? तो जैसे मान लीजिए कि अब कोई पॉइंट, चलिए ऐसे समझिए कि कोई पार्टिकल पहले एक्स वाई प्लेन में पी पॉइंट पर था, अब यही पार्टिकल कहां गया है? पॉइंट क्यू पर आ गया है। तो इसको मिलाने वाला जो लाइन होगा ये होगा हमारा ओ क्यू। और चलिए इसके पोजीशन वेक्टर को अगर आर वन बोलते हैं, इसके पोजीशन वेक्टर को अगर हम आर टू बोल देते हैं, या फिर चलिए आर वन आर टू नहीं एक्स वन एक्स टू ले लेते हैं, एक्स वन एक्स टू, तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। या फिर आप एक्स टू से एक्स वन की ओर आए हैं, या फिर चलिए इधर से गए हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है पार्टिकल। कितना हुआ है पार्टिकल का? डिस्प्लेसमेंट हुआ है डेल्टा एक्स। और डेल्टा एक्स क्या लिखेंगे? तो एक्स टू माइनस एक्स वन। ऐसा काम करते थे कि नहीं? चलिए नेक्स्ट टर्म है हमारे पास वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये सब जो है आपका जनरल, मतलब कि जो आप मोशन पढ़ के आए, तो मोशन में वेलोसिटी कैसे निकालते थे? डीएक्स बाई डीटी। वेलोसिटी क्या होता था? डीएक्स बाई डीटी। ठीक। इसके अलावा अगर एक्सेलरेशन निकालना होता था तो हम क्या करते थे? वेलोसिटी को टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट कर देते थे, या फिर इसको भी डीवी बाई डीएक्स भी बोलते थे। कैसे? तो जैसे एक्सेलरेशन हमारा होता है, देखिए डीवी बाई डीटी होता है कि नहीं, चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम। अगर इसको हम डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दें और डी एक्स से डिवाइड कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा? लेकिन ये जो डी एक्स बाई डी टी है, ये क्या है? चेंज इन पोजिशन बाई टाइम। डी एक्स बाई डी टी को क्या बोलेंगे? चेंज इन पोजिशन बाई टाइम। और पोजिशन बाई टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। तो इसके लिए हम एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी। और जो बच गया ये क्या हो गया? डी वी बाई। तो ये सब जो टर्म था इसको हम लोग कहाँ पर पढ़े थे? मोशन में पढ़े थे। याद कीजिए जब लीनियर मोशन वगैरह पढ़ रहे थे तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए, वेलोसिटी निकालने के लिए इन सारी फॉर्मूलाओं को हम लोग सीखे थे। तो ये सब जो हमारा टर्म है, ये टर्म किससे संबंधित है? ये टर्म संबंधित है लीनियर वेरिएबल से। किससे संबंधित है? लीनियर वेरिएबल। अब इसी को हम रिलेट करेंगे, इसी को हम क्या करेंगे? रिलेट करेंगे किससे? सर्कुलर मोशन से। और देखेंगे कि सर्कुलर मोशन में इन्हीं सारे टर्म्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए अगर इसमें भी कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी टर्म को हम लोग रिलेट करते हैं किससे, सर्कुलर मोशन से। चलिए अब अगर एंगुलर वेरिएबल की बात करें, एंगुलर वेरिएबल तो इसको हम लोग देखिए, जब सर्कुलर मोशन का बात आएगा तो इसके लिए हम एंगुलर वेरिएबल का यूज करेंगे। अब जैसे इसको देखिए समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है, हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है चलिए रहा सर्कुलर ट्रैक, समझेंगे इसको। और अगर ये सर्कुलर ट्रैक है तो इसका एक सेंटर रहा होगा वो, ठीक। अब मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल है जो कि अभी कहां पर है, पॉइंट ए पर है। कोई पार्टिकल कहां पर है, पॉइंट ए पर है। तो सबसे पहले अगर इसके एंगुलर पोजीशन को बतलाना हो, एंगुलर पोजीशन, तो मान लीजिए कि अगर ये पार्टिकल ए से चलते चलते कहां पहुंच गया, बी पर पहुंच गया, तो इसके बीच का एंगल कितना बना, थीटा। एंगल कितना बना, चलिए इसको बोल देते हैं थीटा वन। इसको क्या बोल देते हैं, थीटा वन। तो ये हो गया इसका एंगुलर पोजीशन, या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, एंगुलर पोजीशन। चलिए अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब एंगल में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो अब ये पार्टिकल पहले ए से चला बी तक, अब जो है ये पार्टिकल समथिंग पहुंच गया है सी पर, तो अब हम ओरिजिन को ज्वाइन कर देंगे सी। तो ये जो एंगल बन रहा है, ये हमारा एंगल मान लेते हैं थीटा टू है। देखिए पोजीशन हमेशा कहां से देखते हैं, ओरिजिन से। यहां पर हमारा ओरिजिन क्या है, सेंटर। तो पहले जब पार्टिकल ए से बी तक चला तो एंगल कितना डिस्प्लेस हुआ, थीटा वन। अब पार्टिकल जो है बी से फिर कहां चल गया, सी। तो टोटल जो है अब एंगल कितना बन रहा है ओरिजिन से, थीटा टू। तो यहां पर अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब कि एंगल में कितना चेंज हुआ, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन को घटा देंगे। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, थीटा टू माइनस थीटा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तीसरा है एंगुलर वेलोसिटी। तो जैसे लीनियर वेलोसिटी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते थे, वी से। लीनियर वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, वी से। यहां पर एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे ओमेगा से। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो एंगल में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ टाइम के रेस्पेक्ट में, तो एंगल में डिस्प्लेसमेंट हो गया डेल्टा थीटा, और टाइम कितना लगा, डेल्टा टी। ये डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी जो है, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि हमारा एंगुलर क्या है, वेलोसिटी। और अगर इसका कोई एसआई यूनिट हमसे पूछता है कि इसका एसआई यूनिट क्या होगा, तो देखिए ऊपर में क्या है, एंगल, तो ये हो जाएगा रेडियन। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, रेडियन, और नीचे में क्या है, टाइम, तो ये हो गया सेकंड। तो इसका यूनिट क्या गया, तो इसका यूनिट हो गया रेडियन पर सेकंड। यूनिट क्या हो गया, रेडियन पर सेकंड। अब जो है एंगुलर एक्सीलरेशन की अगर हम बात करें, जैसे हम लोग लीनियर मोशन में क्या पढ़ते थे, सिंपल एक्सीलरेशन। लीनियर मोशन में एक्सीलरेशन, एंगुलर मोशन में एंगुलर एक्सीलरेशन हो जाएगा। तो एंगुलर एक्सीलरेशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे अल्फा से। और जब भी आपको एंगुलर एक्सेलरेशन लिखना हो तो आप क्या करेंगे, एक्सेलरेशन कैसे लिखते थे, वेलोसिटी बाय टाइम। तो एंगुलर एक्सेलरेशन लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी यानी कि चेंज इन ओमेगा, देखिए चेंज इन ओमेगा बाय चेंज इन पार्शियल डिफरेंशिएशन, चेंज इन ओमेगा बाय चेंज इन, यानी कि डी ओमेगा बाई डीटी, डी ओमेगा बाई डीटी। तो एक फॉर्मूला तो ये आ गया हमारा, इसके लिए एंगुलर एक्सेलरेशन के। लेकिन एक और फॉर्मूला है क्या, तो देखिए जैसे अभी हम लोग लिखे अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा, ये डब्लू को ओमेगा यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है, डीटी। अगर इसको हम लोग डी थीटा से गुणा करके डी थीटा से अगर भाग लगा दें तो कोई फर्क पड़ेगा, डी थीटा क्या है, चेंज इन पोजीशन, या फिर आप इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। तो देखिए तो यहां पर चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को आप क्या बोल सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा, और इधर क्या आ गया, डी ओमेगा बाई
डी थीटा, डी ओमेगा बाई डी थीटा, यानी कि डी ओमेगा बाई ए। तो ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है एक्सेलरेशन के लिए। पता है दोनों का रिलेशन समझ में आया। लीनियर मोशन में हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करते थे, यहां एंगुलर पोजिशन की बात करेंगे। वहां पर एक्स से रिप्रेजेंट करते थे हम थीटा से, वहां पर डिस्प्लेसमेंट का बात करते थे, यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का बात करेंगे। वहां पर डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे थे, यहां डेल्टा थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। लीनियर मोशन में हम लोग वेलोसिटी की बात किया करते थे, यहां एंगुलर वेलोसिटी का बात करेंगे। वहां वी से रिप्रेजेंट करते थे वेलोसिटी को, यहां एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। ओमेगा क्या होगा, तो जो एंगल में डिस्प्लेसमेंट होगा और जितना टाइम लगा, ये हो जाएगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, तो सोचिए एक्सेलरेशन कैसे निकालते थे, तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते थे टाइम के रेस्पेक्ट में। तो यहां क्या करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमारे पास दो फॉर्मूला आ जाएगा, डी ओमेगा बाई डी टी या फिर ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। तो चलिए इसको भी अगर आप इसमें कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और चलिए अब यहां पर जो है देखिए कुछ टर्म को समझते हैं। चलिए अभी जिस बात के चलिए देखिए डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, अगर एंगुलर वेलोसिटी का आपको डायरेक्शन निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी जो है इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो इसके लिए हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो राइट हैंड थंब रूल के हेल्प से। कोई बात लिखा हुआ है, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज डिटरमाइंड बाय राइट हैंड थंब रूल। देखिए राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए कि ये सर्कुलर मोशन है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये सर्कुलर मोशन है और इस प्रकार से अगर पार्टिकल इस पर मूव कर रहा है, तो हम अपने थंब को रखेंगे मोशन के डायरेक्शन में और फिंगर को करेंगे कर्ल। तो ये जो होगा, ये जो मतलब कर्ल फिंगर का जो डायरेक्शन आएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अब देखिए टर्म्स का कंपैरिजन, जैसे लीनियर वेरिएबल्स क्या है हमारे पास एक्स, तो यहां पर हम उसके जगह पर क्या यूज करेंगे थीटा। देखिए इसको रिलेट कर रहे हैं, जो लीनियर मोशन आप पढ़ करके आए हैं
उसी चीज को जोड़ रहे हैं। लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते थे, यहां पर डेल्टा थीटा लेंगे। जैसे लीनियर वेरिएबल में वेलोसिटी को वी से रिप्रेजेंट करते थे, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है इसके ऊपर एरो लगाते थे, तो यहां पर भी जो है यहां पर हम एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे, यह भी हमारा कैसा क्वांटिटी है वेक्टर, तो इसके ऊपर एरो। लीनियर वेरिएबल में हम लोग क्या करते थे, एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते थे, और चूंकि वेक्टर था तो इसके ऊपर एरो लगाते थे। यहां पर एक्सेलरेशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे और इसके ऊपर क्या करेंगे, एक एरो लगाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट नोट, इन वन डायमेंशन मोशन, अगर वन डायमेंशन मोशन की अगर हम बात करें तो बी एज्यूम, हम लोग तीन इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा पढ़े थे एस इज इक्वल टू यू प्लस ए टी स्क्वायर, और तीसरा पढ़े थे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, और चौथा था एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन। अब जो इक्वेशन ऑफ मोशन आप लीनियर मोशन में पढ़े थे, अब इसी को हम रिप्लेस कर देंगे, मतलब कुछ टर्म से रिप्लेस करके इसी इक्वेशन ऑफ मोशन को हम बना देंगे इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सर्कुलर मोशन। जैसे यहां पर एक्सेलरेशन है तो यहां पर लिखेंगे अल्फा, यहां पर जो वेलोसिटी है इसको क्या लिखेंगे, ओमेगा। आई बात समझ, क्या ये डायरेक्शन को बताएगा, थंब जो है ये बताएगा डायरेक्शन को, देखिए थंब जो है ये किसको बताएगा डायरेक्शन को, ये जो फिंगर कर्ल होगा ये कर्ल फिंगर किसको बताएगा कि एंगुलर वेलोसिटी जो है उसका डायरेक्शन क्या है, तो खैर उस पर उधर उतना नहीं जाना है। अब देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन इसको अगर हम कंपेयर करके देखें तो देखिए कैसे कंपेयर करेंगे, तो ये आपका कंपैरिजन भी दिया हुआ है एकदम बिल्कुल, ये पीडीएफ आपको मिलेगा, एक सुंदर नोट्स बनाइएगा और फिर प्रीवियस ईयर के पूछे गए जितने भी सवाल हैं यहां से ये सारे सवाल आपसे बनेंगे। देखिए ट्रांजिशनल मोशन बोलिए या लीनियर मोशन बोलिए बात एक ही है, तो यहां पर हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन सीखे थे वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इनटू टी। देखिए यहां पर ओमेगा को हम लोग क्या लेंगे, तो फाइनल फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे, लेकिन जो ओमेगा नॉट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। यहां पर जो अल्फा है अल्फा को हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक्सीलरेशन है, और खैर टी जो है ये तो आपका टाइम है ही। तो देखिए जैसे पहला इक्वेशन ऑफ मोशन था वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो सेम इसी से अगर कंपेयर करें तो सर्कुलर मोशन के लिए पहला इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग पढ़े थे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो सर्कुलर मोशन में इसी को हम क्या लिखेंगे, देखिए यहां पर डिस्प्लेसमेंट था तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा थीटा से रिप्लेस कर देंगे, इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नोट, टाइम है टी, हालांकि देखिए ये नोट नीचे होना चाहिए था, आप इसको ऐसे कर लेंगे ओमेगा नोट, ठीक है ना, प्लस हाफ इंटू अल्फा इंटू टी का स्क्वायर होगा, यहां पर स्क्वायर छूट गया है, ठीक है टी का स्क्वायर आप कर लेंगे, थोड़ा सा यहां पर एरर था। नेक्स्ट जैसे यहां पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, तो यहां लिखेंगे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू अल्फा डेल्टा थीटा, यहां पर टू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट है तो टू इंटू एक्सेलरेशन अल्फा और डिस्प्लेसमेंट प्लस डेल्टा थीटा। नेक्स्ट एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन हम लोग सीखे थे कहां पर, ट्रांजिशनल मोशन में, तो यहां पर सेम चीज क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा एनेथ, यानी कि एनेथ समय में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एंगल में, इसको जानने के लिए पहले हम इनिशियल वेलोसिटी को लिखेंगे, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, जैसे यहां पर यू था तो यहां पर ओमेगा नोट, यहां पर एक्सेलरेशन के जगह पर अल्फा बाई टू टू एन माइनस वन। तो देखिए ये दोनों फॉर्मूला को जो है बिल्कुल कंपेयर करके यहां पर लिखा हुआ है,
तो आप इसके कॉम्पेरिजन के हिसाब से, जैसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालना होता था तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लेते थे, यहां पर हम लोग क्या लेंगे, ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ इंटू एल्फा टी स्क्वायर। चलिए तो इस इक्वेशन ऑफ मोशन का भी यहां पर यूज आने वाला है। अब देखिए कुछ लोग बोलते थे कि मोशन क्यों पढ़ा रहे हैं, मोशन तो पढ़ना नहीं है, तो मोशन नहीं पढ़ते तो इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे सीखते, और इक्वेशन ऑफ मोशन अगर नहीं सीखते तो फिर आज सर्कुलर मोशन का इक्वेशन में परेशानी होती है आपको। इसीलिए एकदम आपको बिल्कुल बेसिक से बतला रहे हैं, प्रॉपर नोट्स जरूर बनाइए, सवाल को जरूर प्रैक्टिस कीजिए, रिजल्ट एकदम निश्चित होगा, ये गारंटी। एनएथ का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आप बाइक चला रहे थे, ठीक है, और मान लीजिए कि आप बाइक चलाए और आपसे हम किसी पार्टिकुलर टाइम इंटरवल पर बोल दें कि चलिए 10वें सेकंड में आपका गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट क्या रहा, 10वें सेकंड यानी कि एक टाइम निर्धारित कर दिया, तो इसको निकालने के लिए आप क्या करते थे, पूरे 10 सेकंड के डिस्प्लेसमेंट को जो है 9 सेकंड के डिस्प्लेसमेंट से घटा देते थे तो 10वें सेकंड का डिस्प्लेसमेंट आता था। यानी कि किसी पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, किसी दिए गए निश्चित समय अंतराल में किसी कण के द्वारा कितनी विस्थापन होती है उसी को हम बोलते हैं एनथ टाइम का डिस्प्लेसमेंट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ये था इक्वेशन ऑफ मोशन का कहानी। अब नेक्स्ट एक चीज सीखना है, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। तो देखिए वैसे तो रिलेशन आपको याद रखना है, v इज इक्वल टू होता है r ओमेगा, v इज इक्वल टू r ओमेगा, ठीक। लेकिन इसको सीखने से पहले हम लोग कुछ बात को और सीखते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है, हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक। ये रहा इसका सेंटर ओ, तो सबसे पहले जो है अगर हमसे कोई पूछे कि इसका एंगुलर वेलोसिटी बताइए क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी जो है क्या होगा, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, कोणीय वेग, हिंदी में क्या बोलते हैं, कोणीय वेग, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो देखिए कोणीय वेग हम लोग कैसे निकालते हैं, तो जरा सोचिए कि अगर हमारे पास कोई पार्टिकल पॉइंट ए पर है और ये रहा सर्कुलर ट्रैक का रेडियस आर, अगर ये पार्टिकल ए से चला और चलते चलते कहां पहुंच गया, पार्टिकल पहुंच गया बी पर, तो एक चीज तो आपको ये चीज दिख रहा होगा कि यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये कितने के बराबर हो रहा है, तो जितना इस आर्क का लेंथ है उतना ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यानी कि कोई पूछे कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ तो आप क्या बोलेंगे कि जो चाप का लंबाई है, जो आर्क का लेंथ है, इसी के बराबर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जरा गौर से देखिएगा तो यहां पर एंगल में भी डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं, तो एंगल में मान लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हो गया डेल्टा थीटा, ठीक। तो अगर आपसे ये बात पूछा जाता कि लेंथ कितना होगा तो हम लोग तो ये बात सीखे हैं कि थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस, तब तो यहां पर ये लीनियर वेलोसिटी को बताना आसान हो जाता कि एल इज इक्वल टू आर थीटा, बताना आसान हो जाता कि नहीं। लेकिन एंगुलर वेलोसिटी निकालना है तो इसके लिए हम बोलेंगे कि ओमेगा इज इक्वल टू चेंज इन एंगल बाय चेंज इन टाइम होगा। मान लीजिए कि यहां पर टाइम क्या था, तो टाइम इज इक्वल टू जीरो, और यहां पर टाइम कितना है, तो टाइम इज इक्वल टू मान लेते हैं टी है, या फिर टी डैश इसको बोल देते हैं, तो टी डैश इज इक्वल टू टी। अब यहां पर टाइम जीरो कैसे हो गया, तो टाइम को हम जीरो इसीलिए माने हैं क्योंकि यहां से हम अपनी मोशन को ऑब्जर्व करना शुरू कर रहे हैं, यानी कि यहीं से हमारा समय का काउंट डाउन होगा। एक जैसे स्टॉप वॉच आप देखे होंगे, स्टॉप वॉच में जब समय को काउंट करना होता है तो वो समय कहां से शुरू होती है, जीरो से। तो टी समय के बाद जो है पार्टिकल कहां पर पहुंच गया, बी पर पहुंच गया, तो ये हो गया हमारा एंगुलर वेलोसिटी, क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन एक बात और अगर यही चीज हम बोलते कि जब कोई पार्टिकल एक चक्कर को पूरा करता तब कितना होता, तो देखिए फोर वन कंप्लीट फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन,
यानी कि एक पूरी चक्कर के लिए, एक पूरी चक्कर के लिए, अगर एक कंप्लीट रोटेशन के लिए अगर ये बात की जाती तो हम लोग बोलते कि थीटा कितना हो जाएगा, एंगल में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, क्या 360 डिग्री होगा। जरा सोचिए, देखिए एक चक्कर का मतलब कि जो पार्टिकल ए से चल रहा है, चलते 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 वापस कहां पहुंच गया, ए पर, तो इस कंडीशन में थीटा कितने के बराबर, 360 के बराबर। जब कोई पार्टिकल किसी पॉइंट के चारों ओर एक कंप्लीट चक्कर को लगाता है तो कितना एंगल बनता है, 360 डिग्री, कितना, 360। तो यहां से अगर हमसे कोई बोलता कि ओमेगा बताइए, तो हम बोल देते ओमेगा इज इक्वल टू, एंगल कितना रखते, 360, और 360 डिग्री को चलने में समय लगा है टी। अब एक बात बताइए, गणित में आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि 2 पाई रेडियन बराबर होता है 360 डिग्री, पढ़े कि नहीं। तो यहां पर जो 360 डिग्री है, क्या इसके जगह पर 2 पाई लिखा जा सकता है, तो इसके जगह पर हम क्या लिख देंगे, 2 पाई बाई टी, यानी कि ओमेगा कितना आ गया, ओमेगा आ गया 2 पाई बाई टी। यानी कि जब भी याद रखिएगा, जब भी कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर ट्रैक पर चल रहा हो तो आपसे एंगुलर वेलोसिटी अगर पूछी जाए तो आप क्या करेंगे, 2 पाई बाई टी से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये कब आया है, ये एक कंप्लीट रोटेशन के लिए आया है, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए आया है, एक पूरी चक्कर के लिए आई है। लेकिन अगर आपसे कोई बोलता कि नहीं, इस सर्कुलर ट्रैक पर कोई पार्टिकल जो है एन नंबर ऑफ चक्कर को लगाया, कितना चक्कर, एन चक्कर को पूरा करता है, तब इसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए 4n नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी कि n चक्कर के लिए, n नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का मतलब n चक्कर के लिए, तो n चक्कर के लिए हम ओमेगा कितना बोलते हैं, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एन बाई टी कर देते, 2 पाई इंटू एन बाई टी कर देते। चलिए तो बोलिए, क्या इतना बात जो है समझ में आया। चलिए तो इसको पहले लिख लेंगे कॉपी में,
चलिए तो ये हम लोग सीखे कि एंगुलर वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, और अगर कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर ट्रैक पर एन नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन को लगा रहा है तब हम लोग एंगुलर वेलोसिटी को कैसे निकालेंगे। अब देखिए एक रिलेशन है एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच, ठीक, यानी कि रेखीय वेग और कोणीय वेग के बीच का संबंध। तो वैसे तो इस रिलेशन को आप याद रखेंगे वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, लेकिन देखिए जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है, जैसे हमारे पास एक जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर ट्रैक है, और जब इस सर्कुलर ट्रैक की हम बात करते हैं, चलिए पहले एक सर्कुलर ट्रैक को बना लेते हैं। चलिए यहां पर ये रहा हमारा सेंटर और ये रहा कोई पॉइंट ए जहां पर अभी कोई पार्टिकल सिचुएटेड है। अब यहां से ए से चलना शुरू करता है और कोई पार्टिकल आ जाता है पॉइंट बी पर, और ये एंगल में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एंगल में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ थीटा, और ये जो सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक है इसका रेडियस क्या है आर, सर्कुलर ट्रैक जो है इसका रेडियस क्या है आर, ठीक। और ये जो आप लेंथ देख रहे हैं इसको मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस कितना है एक्स, ये डिस्टेंस कितना है एक्स। तो अभी एक रिलेशन हम लोग देखिए, जानते हैं कि थीटा इज इक्वल टू होता है एक्स बाई आर, होता है कि नहीं, आप पढ़े होंगे कि कोण बराबर चाप की लंबाई बटा में त्रिज्या, एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो यहां से क्या एक्स इज इक्वल टू ऐसा लिखा जा सकता है आर थीटा, एक्स इज इक्वल टू आर थीटा लिख सकते हैं। अब इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है, क्या कर देंगे डिफरेंशिएट। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे डी एक्स अपॉन डी टी, और देखिए इधर आर हमारा क्या है कॉन्स्टेंट, तो इसको ले लेते हैं बाहर और यहां पर डिफरेंशिएशन कर देते हैं थीटा का, डी थीटा बाई डी टी। तो डिस्प्लेसमेंट को जब टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट को जब टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तब क्या मिलेगा वेलोसिटी इज इक्वल टू आर, और एंगल को जब टाइम के साथ रेस्पेक्ट करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा। तो ये हो गया रिलेशन वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। यहां पर भी हमारा क्या है, तो भी हो गया हमारा लीनियर लीनियर वेलोसिटी यानी कि रेखीय वेग, आर हो गया रेडियस रेडियस जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या, और ये ओमेगा जो है इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी यानी कि इसको हम लोग कोणीय वेग बोलते हैं, कोणीय वेग या फिर कोणीय चाल बोलते हैं। तो ये रिलेशन है किसके किसके बीच, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के। चलिए तो ये जो है इस रिलेशन को आप याद रखेंगे, बाकी इसके आगे कुछ सवाल है तो जो क्वेश्चंस है ये आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप वहां से क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे और बाकी क्वेश्चन का डिस्कशन फिर हम लोग करेंगे अगले क्लास में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी धनतेरस टू यू ऑल।